लेकिन नेस्ले एवरीडे परफेक्ट पार्टनर ऑफ द डे के खिताब के जीती एकर फैसला के घड़ी एकदम नजदीक आ गई बाटे। बस 3 परफॉर्मेंस और बाकी बाटे त अगला जोड़ी जौन मंच पर आके धूम मचाए वाला बाटे ओकर नाच के जादू हर कोई के कर देले बा दीवाना। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत कर जाओ भोजपुरिया ब्यूटी क्वीन रिंकू घोष और डांसिंग जोड़ी मदन मोहन। गणेश जी का कहवा? इस टाइम कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे बनाए, मैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर है उनके लिए क्लैप चाहता हूँ। सब जन प्लीज आप क्लैप कीजिए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर बहुत अच्छा, कोरियोग्राफी तो हमेशा होती है, मेकअप भी बहुत अच्छा किया हुआ है गर्ल्स के, और सब अच्छे लग रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस लग रहे हैं। थैंक यू मदन। रिंकू, मैं रिंकू आपको थोड़ा सा बोलूँगा, ये थोड़े से आपके पोटे से अलग डांस है, पता चलता है मदन वो कर रहा है, आपको थोड़ा सा और इस पर मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि जो ये मोमेंट है, ये मोमेंट वो थोड़ा सा बिल्कुल सर इंडियनाइज में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके वेव्स जो है वो करेक्ट होने चाहिए। मैं कोशिश कर रही थी कि इसका स्टाइल मैं बार बार देख रही थी पर नहीं हो पा रहा था, मैं पीछे जाके सीख भी रही थी मदन से दिखाओ। नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, बहुत अच्छा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, वेव्स करना तो सबसे ज़्यादा ईजी है। ऐसे दीवार के पास जाके चिपकने का, पहले सर रखने का, फिर बाद में सीना चिपकाने का, फिर यूं करके ऐसा आने का, ऐसा हमने तो ऐसे सीखा। तो वेरी गुड मार्क 8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मदन जी आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रात भर आप सेंटर शॉक ट्रीटमेंट के बाद आपके ऐसे बाल ऐसे खड़े हो गए। इलेक्ट्रिक कार कांटा में घुसा के बोला होगा, हेयर ड्रेसर ने बोला होगा मैं कुछ कोई हेयर स्टाइल नहीं कर सकती, आप एक काम कीजिए आप प्लग इन कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर, रात भर इलेक्ट्रिक शॉक ले लीजिएगा, सवेरे तक सब खड़े हो जाएंगे। मदन जी आप एक बहुत अच्छे डांसर हो, मतलब आप वो मुझे वो चेयर वाला कोरियोग्राफी मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज उसमें भले रिंकू ऊपर थी हालांकि वो पूरा हैंडल कर रही थी पर बैलेंस आप ले रहे थे, तो टोटली आप डिपेंडेंट था, वो बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपको दे रही हूँ 8/10, 8 marks। थैंक यू सुधा जी से, गणेश जी से 8/8। भोजपुरिया नटराज कानूदा, बहुत अच्छा रहल, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। हम महू दे थई नाउ। वाह 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 वाह, ये बहुत गरीब लड़का बा बनारस का, एकर माई घर घर जाके काम करे ली और ईशो और ईशो से जीतल पैसा बहुत जरूरी बाटे। चला आज सुधा जी एक बार बताएं कितना इनाम होके के चाही ईशो में, जे भी जीती वो लोगन के फाइनल में कितना पैसा मिले के चाहिए? कितना होना चाहिए? कम से कम आई थिंक अगर जैसे हम मदन की बात कर रहे हैं या किसी भी पार्टिसिपेंट की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 5 lakh, 5 lakh तो होना ही चाहिए। 5 lakh, 5 lakh प्लीज प्लीज रवि जी। नहीं सुधा जी, और सोचा? 4 आगे सोचा और ऊपर से और आगे। यही एक्साइटमेंट चाहिए, अगला हफ्ता बताइब कि जे जीती जे विजेता रही उन लोगन के जीते के बाद जोन पैसा मिली, ये हमारे आम गरीब लड़का लोगन के उन लोगन के साथ के जोड़ा के जोन पैसा मिली ओकर रकम कितनी बाटे अब ना अगले हफ्ता बताइब। जाना तानी कुल माई लोगन का सपना शुरू हो जाए, कुल बहनी के सपना शुरू हो जाए कि हमार बचवा हमार बेटा इतना पैसा घरे लेके आई, बताइब अगले हफ्ता। धन्यवाद।